बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ इडेलिया। व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खाना अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, इसको हम लोगों को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए व्यूवर्स, कल मैंने बिरयानी ट्राई की थी, तो इसका मैंने लिए सोचा कि गोश्त काफ़ी ज़्यादा बच गया था, इसलिए मैंने इसको आज आलू चिकन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ खाने बच जाते हैं हमारे घर में, तो आप लोग उसको बिल्कुल भी ज़ाया मत किया कीजिए। इसके किसी भी चीज़ में आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं आलू चिकन के साथ, तो आप लोग भी किसी भी चीज़ के साथ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। व्यूवर्स, इसके लिए हम लोगों ने एक प्रेशर में घी को फ्राई किया और उसके बाद हम लोगों ने प्याज फ्राई कर रहे हैं। व्यूवर्स, मिलते हैं प्याज फ्राई होने के बाद। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, इसके अंदर हम लोगों ने पानी डाल के फ्राई और अच्छे से कर दिया था। तो व्यूवर्स, इसके अंदर अब हम लोग नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर देंगे। तो व्यूवर्स, इसको अच्छे से हिला लेते हैं। हिलाने के बाद इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इसके बाद हम लोग इसके अंदर दही ऐड करेंगे। तो व्यूवर्स, मिलते हैं दही ऐड करने के बाद। देखिए, दो मिनट हम लोग दही डाल के इसको भून चुके हैं। इस स्टेज पे वैसे तो लोग ज़्यादातर गोश्त ऐड करते हैं, वैसे लेकिन हमारा गोश्त जो है पहले ही कुक हो चुका था बिरयानी में, इसलिए अभी हम गोश्त ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर पोटैटो ऐड कर देते हैं। इसको हिला लेते हैं। व्यूअर्स, अब हम इसको 5 मिनट भूनेंगे। मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। व्यूवर्स, देखें कितनी ही मज़ेदार से हमारी रेसिपी तैयार हो रही है, सवाब का सवाब और झटपट तरीके से तैयार हो रही है। तो व्यूवर्स, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, लेकिन इसको अब हम अच्छे से भून लेते हैं। 2 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। मिलते हैं 2 मिनट बाद। व्यूवर्स, इसको भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर हम लोगों ने अदरक का पेस्ट ऐड किया था और अदरक लहसुन के साथ हम लोगों ने इसके अंदर कुछ खड़े मसाले, ज़ीरा और खुश्क धनिया पीस के ऐड किया था। व्यूवर्स, अब हम इसके अंदर इसको हम अच्छे से हिला लेते हैं। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर लेंगे। जो हम पहले ही कुक कर चुके थे। बिरयानी में ये हम लोग पहले ही कुक कर चुके थे, इसलिए अब हम इसको आराम से प्यार से टेंडर करेंगे ताकि इसकी बोटियाँ टूट ना जाए। व्यूवर्स, मिलते हैं हम इस 5 मिनट बाद। इसकी भुनाई हम लोग कर चुके हैं और चिकन और आलू हमारे टेंडर हो चुके हैं। इसके अंदर हम 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं ताकि इसका मसाले से ये शोरबा तक आ जाए। इसको हम हिलाएंगे। और व्यूवर्स, इसको हम ढकने देंगे। मिलते हैं हम इसको हम डिश आउट करने के बाद। व्यूवर्स, देखिए तैयार है हमारी आलू चिकन की रेसिपी। घर में पड़ी अशियाओं से मौजूद रेसिपी है बनी हुई, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप भी इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।